हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीना खांचा ऑफिशियल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ जा रहे हैं हम अपने घर मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से मिलने के लिए रीज़न भी है, कुछ थोड़ा घर का पेपर वर्क का काम है। सो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा फॉर 2 डेज़। तो आज का मेरा टिकट है और मॉर्निंग का अभी 10 बज रहा है, मैं सो के उठी हूँ और 2 बजे से मेरा ट्रेन है पूर्वांचल। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग अलोन विदाउट शुभम आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद। आई थिंक ये पहली बार होगा जब मैं अपने घर अकेले जा रही हूँ। मैं हमेशा बिना सुबह लग रहा है। तो फाइनली हम हो चुके हैं रेडी। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। पीछे मेरा ट्रॉली भी है और जाने का समय आ चुका है। और व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। और ये मेरा आज का रहा लुक, कैसे दिखाऊँ आपको। नॉर्मल फॉर्मल पैंट पहना है मैंने, एकदम फॉर्मल जो ऑफिशियल होता है, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है रास्ते के लिए। और सिंपल सा एक मतलब टॉप पहन लिया है। और निकलते हैं अभी, खाना वाना भी मेरा रास्ते का बन गया है, क्योंकि हम ट्रेन का खाना खाते नहीं हैं। अगर खाएंगे भी तो कुछ ऐसा मिक्सचर वगैरह आता है वही सब खाते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं खाते ट्रेन का, बिकॉज़ वो ट्रेन वाला खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और शायद मेरा फर्स्ट एसी में है टिकट, मतलब वो जो केबिन वाला होता है, तो शायद मुझे फूड वो लोग दे। आई डोंट थिंक सो, कि मतलब मैं नहीं पता, शायद अगर होगा तो वो देंगे, नहीं तो जो भी है हम नहीं खाएंगे दादी। नहीं तो मैं तो भात खा ले। हाँ ठीक है, हम सुबह में आ रहे, एक चम्मच खा लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम निकल रहे हैं और मैंने पापा का मिष्टी दही मंगा लिया, मुझे मिला नहीं। आपको गाइस बता दे, मुझे मतलब वो सॉल्ट लेक के गंगूराम से मंगाना पड़ा, बट मैंने मंगाया बिकॉज पापा कुछ नहीं, मेरा मिष्टी दही कहाँ है। तो अभी नीचे चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और 2 दिन हम मिस गए, ये लोगों को समझ में आ गया हम जाने वाले हैं। चेरू चेरू माँ आ जाएंगी, ट्रेन से आ जाऊंगा मैं बाबू। चेरू हम आ जाएंगे बाबू, आ जाओ आ जाओ। ये रही मेरी दादी और ये रहे बच्चे। मुकू, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जाने का कोलकाता को इतना दुख होगा। भगवान आंसू बरसा रहे अपना मेरे जाने से। जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, ज़्यादा मत रो। देख रहे हैं आप लोग बारिश, ये सब आंसू की बूंदे हैं मेरे जाने के दुख में, गम में। अरे ये खुशी में पागल है, 2 दिन 4 दिन हम मजा करेंगे अकेले। सब बदल जाता है गाइस, सब बदल जाता है। तो गाइस फाइनली मैं आ गया कांचा को लेके, उसको जाना है अभी, तो मैं आ गया लेके उसको। ये देखिए, हाय कर, तो इस बार वो अकेले जा रही है और 2 दिन के बाद वो वापस भी आ जाएगी। 2 दिन मुझे अकेले रहना होगा, तो भी तुम मजा भी आपको मालूम है, अभी तो टिकट किए आने का भी। तो फर्स्ट टाइम जा रही है अकेले के लिए, आफ्टर मैरिज अकेले जा रहे पहली बार। मैं आया हूँ ड्रॉप करने का, मेरे कोलकाता स्टेशन है। एक्चुअली प्लान था हमारा कि आकांक्षा को फ्लाइट से ही भेज दें, और फ्लाइट से चली भी जाती है, लेकिन फिर पटना पहुँच के फिर वहाँ से छपरा का जर्नी होता तो फिर हार्सेंट हो जाता है। यहाँ से तो आराम से और में यहाँ से आप पटना पहुँच जाते, लेकिन वहाँ से मेरे को वहाँ से 70 किलोमीटर पटना से जाना पड़ता छपरा के लिए, तो वो पूरा हरासमेंट हो जाता। आने समय ये है कि हम जैसे कोलकाता एयरपोर्ट पे उतरे, शुभम पिक कर लिए, मेरे को घर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और मेरे को ट्रेन से जाने का, ट्रेन भी यार फर्स्ट क्लास ए सी है, प्रॉब्लम नहीं है। टाइम तो जाएगा ना, टाइम जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात
हैप्पी जर्नी। सुबह हमारा ट्रेन लगा हुआ है, हमारी ट्रेन, और हम लोग जा रहे हैं अपने कंपार्टमेंट के साइड पे। और पतिदेव अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, जन्म सिद्ध अधिकार। HA1 ये सारा 3 टायर है। मेरे को तो जाने का खुशी है, मम्मी पापा से मिलने का खुशी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद तो आएगा ही। 3 नंबर केबिन में लोअर सीट मिल जाए हमको। ट्रेन हमारी खुल चुकी है, स्कूल जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर जा चुका है, अभी चलते हैं केबिन में। मैंने भी अपना वेडिंग बिल्कुल अभी तक कोई नहीं आया हुआ, ये चारों तीनों बर्थ खाली है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। और देखते हैं कब तक सब आते हैं। और फिलहाल तो ये पूरा केबिन मेरा है, बिकॉज नो वन एल्स हेयर। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ डिफरेंट करें, बट क्या ही करें। अगर कोई साथ रहता तो बात अलग था, बट अभी अकेले हैं। और गाइस सच में मेरे को मतलब एक गुड बाय टाइम वाला गुड बाय टाइम ही होता है। मतलब जब शुभम छोड़ के जा रहे थे, उनका भी थोड़ा सा मुंह बन गया था। मतलब हम लोग ज़्यादा अलग होते नहीं हैं, लेकिन अगर एक दिन के लिए भी होते तो बहुत अजीब लगता है। कोई बात नहीं, घर ही जा रहे और 2 दिन में वापस भी आना है, तो अभी से ये सोचना है। तो अभी वैसे भी मम्मी पापा से मिलने जा रहे, उसका भी एक्साइटमेंट है, पर शुभम तो शुभम है, पतिदेव हमारे। तो अभी मैंने पूरा बेड वगैरह सेट कर दिया अच्छे से, और अभी मस्त सोएंगे। मतलब पूरा ट्रेन हमको सोना है, 14 घंटा सोना है, और ये सिर्फ बोल रहे हैं। आई नो कि हम सोने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे ही। और मैंने पापा का वहाँ पे मिष्टी दही निकाल के बाहर रख दिया, ताकि एसी चल रहा है तो ठंडा में मतलब ख़राब नहीं हो, प्रॉपर ठीक तरीके से घर पहुँच जाए। और अभी क्या करेंगे देखते। मेरे को भूख लगना स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज ट्रेन में चढ़ते ही मेरे को भूख लगता है। तो अभी मैं कुछ खाऊंगी, और अगर कुछ भी करूँगी तो ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरे साथ आप लोग भी ट्रेन की जर्नी इंजॉय करो गाइस। अभी बज रहा है 5:27, और शाम हो चुका है, और गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। एंड अभी तक मेरे मतलब कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं आया है, एंड आई डोंट नो कि कोई आएगा अभी कि नहीं। और अभी तक मतलब मैं आके खाना खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मुझे नींद भी लग गया था, बट अभी शुभम का कॉल आया तो जस्ट नींद खुला, तो हम सोचे अच्छा हम तो ब्लॉग भी बना रहे थे, वो रेगुलर आदत नहीं है ना इस वजह से। तो अभी जस्ट देख रहे, अगर कहीं चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, चाय पी ले, वो भी कुल्लड़ वाला। सो आई एम वेटिंग। और एसी ना बहुत ज़्यादा चिल्ड कर दिया है, मतलब कि एकदम ठंडा लग रहा है, लिटरली ठंडा लगने लगा था अभी हमको, शायद मुझे उसी वजह से नींद भी आ गया था। सो गाइस पहुँचेगा तो ये सुबह में 4 बज के कुछ तो मिनट पे ये पहुँचेगा। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और मैंने पूरी रात ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं सो गई थी मस्त एकदम, एंड आई एम स्टिल मतलब अभी जस्ट उठी हूँ मैं, और राइट नाउ 4:13 हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट छपरा में मतलब अभी मेरे घर के पास से ये ट्रेन गुजरी है, एंड जस्ट मैं स्टेशन पहुँचने ही वाली हूँ। सो
मम्मी पापा आ चुके हैं स्टेशन पे, तो मतलब मस्त सोई हूँ, मस्त मस्त सोई हूँ, क्या ही बोलूँ आपको। तो अभी अभी फटाक से उतरते हैं, पापा मम्मी तो आ गए हैं, और मुझे मम्मी के फ़ोन से नींद खुला है, वरना आज ये ट्रेन कहाँ जाती है आई रियली डोंट नो कि मैं कहाँ ही पहुँचती। अभी फटाक से मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूँ, मतलब सब निकाल लूँ। एंड गाइज वन थिंग आई हैव टू टेल यू, बिकॉज ये पूरा केबिन मैंने बुक करा रखा था एंड कोई आया ही नहीं, मैं पूरी रात इसमें अकेली थी एंड आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड, बट इट्स ओके, बी ब्रेव। सो अभी देखते हैं, स्टेशन आ चुका है, पहले पहले उतर लेते हैं। ये रहा मेरा टोटल सामान, मैंने पैक कर लिया है, और आई डोंट नो कुछ दिख भी रहा है कि नहीं, बट मैं आ चुकी हूँ एंड आई थिंक मुझे कि हम पहुँच चुके हैं, और मम्मी पापा उधर से आ रहा है दोनों। हम बोल रहे हैं सबसे पीछे मेरा ट्रेन है। तो हमने सोचा कि दोनों एक पापा का टचिंग मेरा गेटिंग। हम आ चुके हैं अपने घर, चाय वाय हो चुका है, और ये रहा मेरा प्यारा सा बेडरूम। अभी हम जा रहे हैं नहाने, और नहा के मस्त सो जाएंगे कुछ देर तक, उसके बाद मिलते हैं। पहले हम नहा दें फिर आप लोगों से मिलते हैं गाइस। मम्मी पहन रही है अपनी सासू माँ का लाया हुआ चूड़ी, भेजा हुआ चूड़ी, बस बस नौटंकी इसका है कुछ देर का। देखे मम्मी, तो ये दादी ने भेजा है मम्मी के लिए, और रहा मम्मी का साड़ी जो कि तीज का शॉपिंग था, बट मम्मी को अभी डिलीवरी मिल रहा है उसका। तो फ्रेंड्स थोड़े देर के लिए गुड नाइट, बिकॉज जैसे हम ट्रेन में मतलब मस्त सोए लेकिन फिर भी घर आके नींद ही लग रहा है। तो देखिए नेल पेंट हम ट्रेन में ही लगाए हैं करेंगे क्या, तो हम ये नेल पेंट दोनों हाथ में लगाए, क्योंकि पहले तो कैसे भी आ जाते थे, बट शादी के बाद थोड़ा ये नेल पेंट वगैरह नहीं लाओ ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने रास्ते में ही लगा लिया था। और अभी सोएंगे मस्त, 2-3 घंटा तो एटलीस्ट सो जाएंगे, अभी बोल रहे हैं पता नहीं कितना देर सोएंगे लेकिन सो जाते हैं। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना आपको मालूम है, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है, और गाइस फिंगर क्रॉस्ड एंड आई एम लिटरली ट्राइंग कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, एंड आई होप मैं बनाऊँगी एंड कुछ। अभी आ रही है मम्मी, अभी हम और मम्मी बात करेंगे हम लोग। तुम कब आई थे लास्ट टाइम कलकत्ता? वही जुलाई में जो आप आ गए वहां से, अचानक से पहुंची थी सरप्राइज उस समय तो मम्मी हम सॉन्ग दे मुझे कैसे आ गए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, do like, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Queen Akansha Official, and press the bell icon. काट दो इसको, नहीं से जोड़ दो इसको। चूड़ी पहन के चमका रही है अपना सासू माँ का भेजा हुआ। मम्मी मेरे को चूड़ी भेजी। मैं बाल। अच्छा चल। चिलिया को हटा दो खाली। चिलिया। चिलिया। जो जो चिलिया। जा देख मम्मी। चिलिया।